जिला पंचायत सदस्य कुलदीप पाल व अधिवक्ता अनिल पाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट फतेहगढ़ पहुंचे पाल समाज के अधिवक्ता व पाल समाज के लोगों ने बीते दिनों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अधिवक्ताओं में पाल व उनके दो सुरक्षा कर्मियों की हुई दिनदहाड़े हत्या के विरोध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन सौंपा। कुलदीप पाल ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में दिवंगत अधिवक्ताओं में पाल को न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार प्रदेश की अपराधियों को मिट्टी मिलाने की बात कही है, वह कहीं ना कहीं जल्द जरूर होगी। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य कुलदीप पाल, सुजीत पाल, अनिल पाल शूटर, अधिवक्ता अनिल पाल, सतीश पाल, जयदेव पाल, अमन पाल, राहुल पाल, जिला उपाध्यक्ष होलकर सेना, कृपा शंकर पाल, राम नारायण पाल, देवेंद्र पाल आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वकील साहब, आप लोग आज बड़ी संख्या में एसडीएम साहब से मिले, क्या बात है कि किस से मिलना हुआ? राजू पाल के मुख्य गवाह थे उमेश पाल जी, उनकी निर्मम हत्या की गई। ठीक है, जब वो मुख्य केस ट्रायल पे चल रहा है, उनकी सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हुई, सुरक्षा कर्मी भी एक वहाँ पे शहीद हो गए, दूसरा सुरक्षा कर्मी जिंदगी मौत से झूल रहा है। हमने मांग रखी है, प्रथम दृष्टया हमारी मांग है सुरक्षा व्यवस्था, परिवार की सुरक्षा व्यवस्था, नंबर दो हमारी उनके बच्चों के प्रति सरकार की तरफ से मांग है मुफ्त शिक्षा, और नंबर तीन हमारी मांग है कम से कम 1 करोड़ रुपये की धनराशि दी जाए, नंबर चार परिवार के भरण पोषण व परिवार की देखरेख के लिए कम से कम 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाए। पूरा मामले पर देखा जाए तो एक बड़ा सवालिया निशान नजर आ रहा है सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के लिए माननीय योगी सरकार तटस्थ है, और योगी जी ने सदन में सभी के सामने कहा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। वो अपनी कार्य दृढ़ शक्ति और इच्छा शक्ति पर तटस्थ हैं, वो निरंतर कार्य जारी रखे हैं, लेकिन कहीं न कहीं माफिया कहीं भी छुप जाए लेकिन उनकी नज़र से बचकर नहीं जा। क्या नाम है आपका? अनिल पाल, एडवोकेट। आज हमारे समाज के एक उमेश पाल जी अध्यक्षता थे, पूर्व विधायक राजू पाल जी जब हत्या हुई थी, वर्तमान विधायक थे बसपा से, उन्हीं के उसमें गवाह थे उमेश पाल जी, जो 24 को शाम लगभग 5 बजे के टाइम पे दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। तो उन्हीं के न्याय के लिए हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय जिलाधिकारी महोदय की समक्ष, और मांग करते हैं कि स्वर्गीय उमेश पाल जी के परिवारजनों को सहायता राशि 1 करोड़ रुपए, शस्त्र लाइसेंस और उनकी जेड सुरक्षा प्रदान करने की कृपा करें। क्या लगता है, पूरे मामले को देखकर साफ साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश की खतरे में दिखाई पड़ रही है, सवाल उठ रहे हैं साफ साफ? नहीं, ये तो बिल्कुल कहना पड़ेगा, सुरक्षा व्यवस्था पे तो बिल्कुल कहना पड़ेगा। और अभी योगी जी ने एक विधानसभा मामला उठा था, ये योगी जी ने कहा था हम माफियाओं को मिट्टी मिला देंगे, हम उम्मीद करते हैं और योगी जी के समर्थन करते हैं, उन्होंने कहा था माफियाओं को मिट्टी मिला देंगे, अगर मिलाएंगे तो हम लोग उन पर विश्वास जताएंगे, अपनी कथनी और करनी में कोई फर्क न रखे योगी जी, तो हम समझते आगे हम लोग विश्वास करेंगे।